हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ इसे हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक और नाम है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, इन दो टर्म्स का क्या मीनिंग हुआ? सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। और वो एनफोर्सिबिलिटी कहां से आएगी? जब उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, यानी कि टू और मोर पार्टीज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फ्री कंसेंट देन कॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी बातें और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें मिलाकर, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को मिलाकर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एसेंशियल एलिमेंट्स ना हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। यही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की सबसे स्पेशल चीज है। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट के साथ एसेंशियल एलिमेंट्स भी चाहिए। एग्रीमेंट होगा, एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, तब जाके क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। और वो एनफोर्सिबिलिटी का सोर्स क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एसेंशियल एलिमेंट भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जरा देखिए, सो बेसिकली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, एंड दैट प्रिंसिपल इज अनजस्ट एनरिचमेंट, राइट? हम यहां इसे एक प्रिंसिपल का मैं नाम दूंगा, अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, राइट? सो इट इज बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल विच सेज अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग है, एक के लॉस पे किसी दूसरे का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। किसी एक पर्सन के लॉस पे किसी दूसरे पर्सन का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। एक के नुकसान पे किसी दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए। उसी प्रिंसिपल पे बेस है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अभी मैं इस पूरी लाइन को एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किसी एक के लॉस पे किसी दूसरे का बेनिफिट हो सकता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन कौन से है? देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है सेक्शन 72 तक, पूरा का पूरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड है। और इसकी पांच सिचुएशंस है। सबसे पहले जो फर्स्ट सिचुएशन है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 68, एंड दिस इज अबाउट बेसिक नेसेसरीज सप्लाई टू ए पर्सन बेसिक नेसेसरीज सप्लाई टू ए पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, राइट? बेसिक नेसेसरीज सप्लाई टू ए पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। दैट बेसिकली मींस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर किसी माइनर को किसी मेजर ने बेसिक नेसेसरी सप्लाई कर दी, बेसिक नेसेसरी जो उसकी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है। एक माइनर अपने घर से अलग हो चुका है, अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका है, और वो किसी मेजर पर्सन को मिलता है। वो मेजर पर्सन अगर उसे बेसिक नेसेसरी सप्लाई करे, सो उन दोनों के बीच में क्या बन गया? उन दोनों के बीच में बन गया एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो जो उस माइनर के लिए रिक्वायर्ड था एट दैट मोमेंट, वो सप्लाई किसने किया? वो एक मेजर पर्सन सप्लाई किया। तो उस मेजर पर्सन का उस माइनर के साथ एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आप मुझे बोलेंगे, सर माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। लेकिन सोचिए, अगर इस प्रिंसिपल को एप्लीकेबल किया तो कोई भी पर्सन कभी किसी माइनर की हेल्प नहीं करेगा, और अगर कोई किसी माइनर की हेल्प करेगा तो वो फिर माइनर से कुछ क्लेम भी नहीं कर सकता। इसलिए यहां क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड था। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो एक्सपेंस मेजर ने माइनर के फेवर में किए ना, वो एक्सपेंसेस वो उसकी एस्टेट से क्लेम करेगा,
एस्टेट, मैं बार बार इस वर्ड पे एम्फसाइज करूंगा कि वो जो उसने एक्सपेंसेस किए ना, वो उसके पेरेंट्स से क्लेम नहीं करेगा, वो उसकी एस्टेट से क्लेम कर सकता है। और माइनर के अलावा अगर किसी इडियट पर्सन को, इडियट जो मेंटली अनसाउंड है, उसे अगर किसी पर्सन ने बेसिक नेसेसरी सप्लाई की ना, तो वो उस पर्सन की एस्टेट में से भी अपने एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस उसने इनकर्ड किए ना, वो क्लेम कर सकता है। एक और बात मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां क्लियर करता हूं, वो जो इडियट है उसकी वाइफ है, तो वाइफ के एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए कौन लायबल है? वो पर्सन जो इडियट है, दैट मींस जो कि अनसाउंड माइंड है। इडियट वो होता है जो परमानेंटली अनसाउंड माइंड होता है, या उसके बच्चे हैं, तो इडियट जो इंसान है उसके फैमिली मेंबर, उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उनको भी अगर किसी ने बेसिक नेसेसिटी सप्लाई करी है, तो वो भी एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो भी एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया विद दैट पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, बट उसकी प्रॉपर्टी में से वो क्लेम किया जा सकता है, उसकी एस्टेट में से वी कैन से जिस पर्सन ने सप्लाई किया है वो क्लेम कर सकता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि अगर वो क्लेम नहीं कर पाएगा तो लॉस उस पर्सन का होगा जिसने सप्लाई किया है, और बेनिफिट किसका होगा? बेनिफिट उस माइनर का होगा, उस इडियट का होगा। तो उन दोनों का हुआ अनजस्ट एनरिचमेंट, और लॉस किसका हुआ? लॉस हुआ उस पर्सन का जिसने सप्लाई किया है, राइट? ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन अंडर सेक्शन 69। सेक्शन 69 में प्रोविजन किसके बारे में गिवन है? पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन, और आई शुड से इंटरेस्टेड पर्सन और पार्टी, इंटरेस्टेड पर्सन और पार्टी। इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, यहां देखिए, यहां हमें एम्फसाइज करना है इस चीज के ऊपर, पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अब ये इंटरेस्टेड पर्सन कौन होता है? इंटरेस्टेड पर्सन वो है जिसके साथ किसी और की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और वो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा, कोई एक्शन ले रहा है, और उसका एक्शन बाद में कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल से इस लाइन को एक्सप्लेन करता हूं। एक प्रॉपर्टी पे, एक प्रॉपर्टी मैंने लीज पे ले रखी है, एक प्रॉपर्टी मेरे पास है, मैंने उसे लीज पे ले रखा है, और उस प्रॉपर्टी में मेरे शूज की फैक्ट्री है, शूज की फैक्ट्री है, और मेरे रेवेन्यू का जो सोर्स है वो फैक्ट्री है, मेरी इनकम का जो सोर्स है दैट इज द फैक्ट्री। लेकिन जो फैक्ट्री का ओनर है ना, उसने उस फैक्ट्री के ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना था उसने वो पे नहीं किया। फैक्ट्री के ओनर ने उस फैक्ट्री पे जो टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करना था उसने वो टैक्स पे नहीं किया। गवर्नमेंट ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि उस फैक्ट्री का ऑक्शन होगा। सो गवर्नमेंट ने उस फैक्ट्री का ऑक्शन प्लान कर दिया। रीजन इज कि जो फैक्ट्री का रियल ओनर है, आई शुड से जो लीजर है, जिसने मुझे वो फैक्ट्री लीज पे दी है, तो मैं बन गया लीजी और फैक्ट्री का ओनर बन गया लीजर। लेकिन क्योंकि उस लीजर ने फैक्ट्री पे जो टैक्स जो गवर्नमेंट का ड्यू था वो पे नहीं किया, गवर्नमेंट उस फैक्ट्री का ऑक्शन करके टैक्सेस रिकवर करने में इंटरेस्टेड है, नॉट रेंट, राइट? सो टैक्सेस रिकवर करना चाह रही है, लेकिन इसमें लॉस किसका होगा? लॉस तो मेरा होगा, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयमेंट भी उस फैक्ट्री से कनेक्टेड है, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयमेंट भी उस फैक्ट्री से कनेक्टेड है, तो मैं क्या बन जाऊंगा? मैं बन गया इंटरेस्टेड पार्टी। गवर्नमेंट एक्शन जो ले रही है वो किसी डिफॉल्टर के अगेंस्ट ले रही है, लेकिन उस डिफॉल्टर के अगेंस्ट में एक्शन लेने से मेरा भी लॉस होगा, इसलिए मैंने उस फैक्ट्री ओनर के बिहाफ पे मैं गवर्नमेंट के पास में गया और मैंने सारे टैक्सेस पे कर दिए। तो जितना भी अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू था वो मैंने पे कर दिया। अब मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके मैंने ये क्लेम किया कि सारा टैक्स तो मैंने पे किया है, मैं फैक्ट्री का ओनर नहीं हूं, मैं सिर्फ लीजी हूं। सो गवर्नमेंट ने कहा इस केस में तो अनजस्ट एनरिचमेंट किसका होगा? फैक्ट्री के ओनर का होगा। और लॉस किसका होगा? लॉस तो लीजी का होगा, लीजर का फायदा होगा, लीजी का लॉस होगा। तो एक काम करते हैं, इनके बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए यह भी कह सकते हैं कि इट इज इंपोज्ड बाय लॉ। सो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट इंपोज कर दिया हम दोनों के ऊपर।
कोर्ट ने एक कॉन्ट्रैक्ट इंपोज कर दिया। मैंने गवर्नमेंट वर्ड यूज किया, गवर्नमेंट बोल दीजिए, कोर्ट बोल दीजिए, लॉ ने एक कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के ऊपर इंपोज कर दिया और हम दोनों के बीच में क्या बन गया, हम दोनों के बीच में बन गया कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। दैट सिंपली मीन्स कि अब जो मैंने टेक्सास गवर्नमेंट को पे किए हैं वो पैसा मैं उस प्रॉपर्टी के ओनर से रिकवर कर सकता हूं या फिर मैं फ्यूचर में जो रेंट पे करूंगा उसमें से एडजस्ट कर सकता हूं। राइट, ओके, दिस वॉज सेक्शन 69। अब देखिए सेक्शन 70 क्या कहता है। सेक्शन 70 सेज पेमेंट फॉर नॉन ग्रेच्यूटस एक्ट, पेमेंट फॉर नॉन ग्रेच्यूटस एक्ट। एक टर्म होती है ग्रेच्यूटस और एक होती है नॉन ग्रेच्यूटस। ग्रेच्यूटस मीन्स फॉर फ्री विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड नॉन ग्रेच्यूटस मीन्स जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। तो जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉन ग्रेच्यूटस और जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा उसे हम बोलेंगे ग्रेच्यूटस। अगर किसी को डूबने से बचाया तो उससे पैसा क्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि वो काम वॉलेंट्रीली किया है और वो ग्रेच्यूटस इन नेचर है, वो ग्रेच्यूटस इन नेचर है क्योंकि वॉलेंट्री किया है तो आप उससे पैसा क्लेम नहीं कर सकते। बट वॉट अबाउट पेमेंट फॉर नॉन ग्रेच्यूटस एक्ट। इस बार मेरी फैक्ट्री में गलती से किसी ने रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया, बाय मिस्टेक सप्लाई किया है, राइट और जिसको वो सप्लाई करता है उससे वो रियल में पैसा चार्ज भी करता है। बाय मिस्टेक मेरी फैक्ट्री में मेरे एक फ्रेंड ने रॉ मटेरियल छोड़ दिया, मेरे ही फ्रेंड ने अपनी फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल था वो मेरी फैक्ट्री में छोड़ दिया। फॉर्चुनेटली वो रॉ मटेरियल मैंने अपनी फैक्ट्री में यूज कर लिया क्योंकि जो रॉ मटेरियल मेरे फ्रेंड ने मेरी फैक्ट्री में छोड़ा वो मेरी फैक्ट्री में यूज होने लायक था और मैंने उसे यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद जब मेरे फ्रेंड को ये बात पता लगी तो वो मुझसे पैसा क्लेम करने के लिए आया तो मैंने उसे बोला हम दोनों के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, देयर वाज नो ऑफर, देयर वाज नो एक्सेप्टेंस। तो ना तो ऑफर था ना एक्सेप्टेंस थी, प्रायर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं थी, तुमने बाय मिस्टेक अपने गुड्स मेरे फैक्ट्री में छोड़ दिए, मैंने यूज कर लिए तो अब कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं। लेकिन कोर्ट कहता है कि अगर आपने किसी गलती का इस तरीके से फायदा उठा लिया तो इन दिस केस आपका तो अनजस्ट एनरिचमेंट हो गया। जस्ट मतलब जो सही हो, जो इक्वल हो, अनजस्ट मतलब जो सही ना हो। तो आपका तो अनजस्ट एनरिचमेंट हो गया और आपके दोस्त का लॉस हो गया। क्योंकि मेरे फ्रेंड का लॉस हो गया इसलिए हम दोनों के बीच में भी क्या बन गया, हम दोनों के बीच में बन गया एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और मैं अब अपने फ्रेंड को पे करने के लिए लायबल हूं क्योंकि जब मैं उसे पे कर दूंगा तब सिचुएशन बराबर की हो जाएगी। मैंने गुड्स यूज कर लिए तो मैंने उसे उसके लिए पे भी कर दिया। राइट, ओके, देन नेक्स्ट सिचुएशन इज सेक्शन 71। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स जिसे गुड्स मिले उसके साथ भी गुड्स के ट्रू ओनर का एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जैसे कि आपके पास एक डायमंड की रिंग है, आपके पास एक डायमंड की रिंग है और डायमंड निकल के गिर गया है, डायमंड की वैल्यू है 2 करोड़ रुपीज और आपका डायमंड मुझे मिल गया है, आपका जो डायमंड है डायमंड के रिंग में से जो डायमंड निकला वो डायमंड मुझे मिल गया है, मैंने बहुत कोशिश करी आपको ढूंढने की लेकिन मैं आपको ढूंढ नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश की आपको ढूंढने की मैं आपको ढूंढ नहीं पाया और उसके बाद जब आप मुझे मिले और जब आपको पता लगा कि 1 साल पहले जो आपकी डायमंड की रिंग गुम हुई थी जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपीज थी वो डायमंड की रिंग का जो डायमंड था, राइट, डायमंड की रिंग, चलिए मान लेते हैं डायमंड की रिंग ही गुम हुई थी, हाँ साथ में गोल्ड भी था, साथ में गोल्ड भी था और डायमंड भी था, दोनों मुझे मिल गया। आपको जब पता लगा कि मेरे पास में है तो आप मेरे पास में आए और आपने मुझसे अपनी डायमंड रिंग क्लेम की। तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो डायमंड रिंग मेरे पास में होगी या अब तक मैं उसे सेल कर चुका हूं। मैंने आपसे कहा देखिए आपकी डायमंड रिंग मैंने सेल कर दी है और आपकी डायमंड रिंग सेल करके ये देखिए ये मैंने प्रॉपर्टी परचेस कर ली है, ये मैंने गाड़ी परचेस कर ली है, तो आप बोलेंगे आपने मेरी डायमंड रिंग क्यों सेल की। मैंने कहा आपको ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की बट मैं आपको ढूंढ ही नहीं पाया,
तो अब आप मुझसे वो डायमंड की रिंग की वैल्यू या प्राइस डिमांड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं ही बोलूंगा कि हम दोनों के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लेकिन जब आप कोर्ट केस फाइल करेंगे ना, तो कोर्ट बोलेगा कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स एंड द ट्रू ओनर, इन दोनों के बीच में क्या बन गया? इन दोनों के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सो मैं कोर्ट से कहूंगा कि सर ठीक है, मैं मानता हूं कि मुझे इनको सारा पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन जो एक्सपेंसेस मैंने इनकर किए, जो एक्सपेंसेस मैंने लगाए ट्रू ओनर को ढूंढने में, वो एक्सपेंसेस कौन देगा? तो कोर्ट ने कहा वो एक्सपेंसेस ट्रू ओनर देगा। तो ट्रू ओनर मुझे वो सारे एक्सपेंसेस देगा जो कि मैंने ट्रू ओनर को ढूंढने में लगाए थे, तो मैं वो अमाउंट डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट आपको पे करूंगा। अगर मैंने आपके डायमंड रिंग को सेल नहीं किया और डायमंड रिंग अभी भी मेरे पोजेशन में है, तो मैं आपके रिंग रिटर्न कर दूंगा और जो मैंने एक्सपेंसेस किए आपको ढूंढने में, वो एक्सपेंसेस मैं आपसे वापस क्लेम कर सकता हूं। राइट, सो दिस वॉज सेक्शन 71। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स एंड द ट्रू ओनर, इन दोनों के बीच में भी एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। राइट, एंड द लास्ट केस इज सेक्शन 72, पेमेंट मेड अंडर मिस्टेक, पेमेंट मेड अंडर मिस्टेक और कोवर्शन, अंडर मिस्टेक और कोवर्शन। मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये कोवर्शन वो वाला कोवर्शन नहीं है जो सेक्शन 15 में डिफाइंड है। यहां कोवर्शन का मतलब है पेमेंट मेड अंडर प्रेशर, प्रेशर में इलीगली किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने पैसा एडिशनल चार्ज किया गुड्स रिलीज करने के लिए, तो एक्सेस पैसा वापस मांगा जा सकता है। वो अमाउंट जो इलीगली पे किया वो डिमांड किया जा सकता है अंडर सेक्शन 72। अगर आपके फ्रेंड ने आपको किसी लोन की रिपेमेंट करी है और उसने आपको गलती से एक्सेस कैश दे दिया है, वो पेमेंट होगा मेड अंडर मिस्टेक। तो आपको अपने फ्रेंड से 2 लाख रुपए लेने थे, लेकिन गलती से उसने आपको 3 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, तो उस एक्सेस 1 लाख रुपीज के लिए एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। किसके बीच में? आपके और आपके फ्रेंड के बीच में। तो ये 5 वो सिचुएशन है जिन 5 सिचुएशन में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। सो आई रियली होप इस वीडियो से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और किन 5 सिचुएशन में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। So that's it from my side. Please like and subscribe our YouTube channel. Stay tuned for more videos. Thank you so much.